सर्वाइवर्स बात करें FFPL की तो फ्री फायर पाकिस्तान लीग हमेशा से आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास टीम्स जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से ना ही सिर्फ कम्युनिटी में अपना नाम मकबूल किया बल्कि वर्ल्ड रिकग्निशन हासिल करने के चांसेस भी मजबूत किए। एक पावरफुल टीम का टूर्नामेंट पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है जो कि हमें गुज़िश्ता FFPL सीजन्स में कंसिस्टेंसी के साथ नज़र आता आया है। एक स्ट्रॉन्ग टीम ना ही सिर्फ कॉम्पिटेटिवनेस का बढ़ावा देती है बल्कि टूर्नामेंट के लिए भी बड़ी टीम्स का होना एक बड़ी बात तसव्वुर की जाती है। आज हम बात करने वाले हैं फ्री फायर पाकिस्तान लीग की दो स्टार टीम्स की। जी हाँ, जिक्र होगा आज टीम हाउस ऑफ ब्लड और डीमन स्प्राइट का। इनका रोस्टर, ओवरऑल कैपेबिलिटी और पोटेंशियल पे भी होगा चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करें टीम डीमन स्प्राइट से तो ऑन पेपर ये बहुत स्ट्रॉन्ग टीम तसव्वुर की जाती है। सैफ और कोयटा की इंक्लूजन के बाद ऐसा मालूम होता है कि इनकी स्ट्रेंथ में काफी हद तक फायर पावर देखने को मिल सकता है। शॉर्ट रेंज पे फाइट आ चुकी है, सैफ अकेले बचे अपनी स्क्वाड के लिए, डाउन कर सकते हैं और यहाँ पे एक और प्लेयर को डाउन किया गया रोटेशन के साथ। वन मोर डाउन, सैफ ऑल अलोन अकेले पूरे स्क्वाड के लिए यहाँ पे खतरा बन सकते हैं। बैक साइड से प्लेयर आता है, चार्ज किया जाता है और बिल्कुल यहाँ पे चार्ज बस्टर मौजूद है, उनके भी आखिरी प्लेयर है। यहाँ प्लेयर को रिवाइव दिया जाएगा, आगे बढ़ने की कोशिश, स्किल्स कंफर्म किए जा रहे हैं, बहुत कम पावर। इनके एग्जिस्टिंग रोस्टर की बात करें तो गॉडजिला और समी का टीम में होना किसी भी टीम के लिए एक बहुत ही एम्पावरिंग साइन शुमार किया जाता है। दोनों की केमिस्ट्री और शेयर डिटरमिनेंट से भरपूर परफॉर्मेंस किसी भी टीम के जीत के दरवाजे खोलने में कारामद साबित हो सकती है। दूसरी जानिब रोमन पे अगर नजर डाली जाए तो नो चांस और फाइव फैब से भरपूर एक्सपीरियंस गेन करने के बाद डीमन स्प्राइट का हिस्सा होने जाते हुए रोमन भी टीम डीमन स्प्राइट का एक अहम एसेट बनने का पोटेंशियल रखते हैं। स्टार टीम्स का तस्करा हो और टीम हाउस ऑफ ब्लड को दूर रखा जाए ये एक नामुमकिन सी बात लगती है। टीम हाउस ऑफ ब्लड फ्री फायर पाकिस्तान लीग का चार्म तसव्वुर की जाती है। इनकी कंसिस्टेंसी के चर्चे हमेशा से ही कम्युनिटी में मशहूर रहे हैं। टीम हाउस ऑफ ब्लड को लीड करते हुए काय अपनी विल और कैप्टेंसी के जरिए अपनी टीम को फर्स्ट एवर FFPL चैंपियनशिप दिलाने में कामयाब हुए। इनका नाम फ्री फायर कम्युनिटी के स्टार्स में लिखा जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, डैनी की अगर बात करें तो सही वक्त पर डिजायर्ड परफॉर्मेंस देना इनका हुनर है। FFPL थर्ड के फाइनल में MVP करार पाए और आने वाले टूर्नामेंट्स में अपनी जगह को मुस्तहकम भी किया। इनके रोस्टर पर नजर डाली जाए तो हमें स्नेक आई, वेनम और होगो ताहा जैसे टॉप लेवल प्लेयर्स नजर आते हैं जो कि कंसिस्टेंसी के साथ साथ इन गेम अवेयरनेस पर भी उबूर रखते हैं। टीम हाउस ऑफ ब्लड इन स्टार प्लेयर्स की बदौलत ही कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ती हुई दिखाई देती है। इनकी ये उम्दा कारकर्दगी आने वाले सालों में भी इन्हें एक अच्छी स्टैंडिंग की जमानत प्रोवाइड करती है। सर्वाइवर्स, डीमन स्प्राइट और हाउस ऑफ ब्लड की ये परफेक्ट लाइनअप्स इन्हें आगे किस मोड़ पर लेके जाती हैं ये बताना तो शायद मुश्किल हो, मगर ऑन पेपर दोनों साइड्स बहुत तगड़ी दिखाई देती हैं। इनके स्टैट्स और रोस्टर्स को अगर मद्देनजर रखा जाए तो भरपूर पोटेंशियल दिखाई देता है जो कि ना सिर्फ इनके लिए बेहतरीन है बल्कि FFPL टूर्नामेंट के लिए भी काबिल-ए-तारीफ लम्हा है।